अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने और आज है हमारा गोवा में थर्ड डे लास्ट डे जा रहे अच्छा सा डिनर करेंगे कहीं बाहर। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे एक टैटू हाउस में और मैं यहाँ कराने जा रही हूँ छोटा सा टैटू एनिवर्सरी के लिए हस्बैंड को गिफ्ट मेरी तरफ से मेरे हाथ में उनका नाम का टैटू। बस यहाँ पे कराऊंगी और देखती हूँ इधर लग रहा है फिलहाल। मैं टैटू करा तो रही हूँ पर अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं कि कैसे, बट अभी कुछ पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, सो मैं रिलैक्स हूँ फिलहाल तो और अंदर से नर्वस हूँ बस। पता नहीं मुझसे किसने बोला था कि टैटू कराने में बिल्कुल भी नहीं लगता है, बट यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कोई कट मार रहा है मेरे। तो पता नहीं जिनको भी आप बताइएगा जिन्होंने भी टैटू कराए क्या इतना पेन होता है, मुझे तो बहुत पेन हुआ था। या तो मैंने कभी इस तरह का कुछ करा नहीं है बट बहुत मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। और आप देख रहे हो नायशा को कितनी हंसी आ रही है, मैं रो रही हूँ तो मुझे नायशा को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। अरे वो खराब हो जाएगा, अरे फिर बेकार हो जाएगा, थोड़ा सा करो। मैं अपने हैंड में एन और एस लिखा रही थी तो मैंने उनसे बोला है कि आप एस ही लिख दो, एन मत लिखो, इतना ज़्यादा पेन में मैंने बोला एक ही लेटर लिख दो क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रही थी। और आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा ये नायशा वीडियो बना रही थी, मैं मना कर रही थी उसको मेरे वीडियोज़ मत बनाओ, बट मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि मुझे ही ज़्यादा लग रही है कि आप लोगों ने जिन्होंने भी टैटू कराए उनको भी पेन होता है। टैटू तो मैंने करा लिया था तो पति देव मेरी फेवरेट चीज़ मुझे खिलाने लेके आ गए हैं और यहाँ मैंने खाया था शोरमा। उसके बाद हम डिनर करने के लिए, सो हस्बैंड मेरा मूड अच्छा करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छे कैंडल लाइट डिनर पे लेके गए थे जो कि ओपन एरिया में था और बहुत ही रोमांटिक जगह थी। यहाँ पर हमने अपना डिनर कम्प्लीट किया है और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो यहाँ हमने किया था अपना डिनर जिससे मेरा मूड थोड़ा अच्छा, तो यहाँ मैंने अपनी फेवरेट चीज़ें मंगाई थी। और आप बताइए आपको यहाँ का कैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है। ये रही मेरी टैटू के साथ फर्स्ट पिक और टैटू को रैप कर दिया था उन्होंने एक बहुत पतली सी पॉलीथीन के साथ जिससे 2 से 3 घंटे के लिए उन्होंने मुझे बोला था इसको ऐसे ही रैप करना है। और अभी आप देखिए यहाँ पे एक ग्रुप आया था जो कि बहुत इंजॉय कर रहा है और हम भी उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोग बाहर से डिनर करके आ गए आ चुके हैं और सभी लोग हैं नाइट ड्रेस पे और आज की रात गोवा में हमारी आखिरी रात है। और ये देखिए माय फर्स्ट टैटू इन माय हैंड। गोवा फेमस है टैटूज के लिए इसलिए मैंने यहाँ से टैटू कराया है और बिल्कुल इतने में इतनी देर में और कहीं को होता ना पूरा रेड हो जाता, पूरा लाल ब्लड आ जाता ऊपर। यहाँ बहुत अच्छे से किया है टैटू और अभी मुझे मुश्किल से एक बना हुआ होगा और आप देख सकते हो जहाँ कुछ भी नहीं हुआ ऐसा लग रहा है पेंटिंग की गई है। बहुत अच्छा है। The next morning. और आज है हमारा लास्ट डे और ये है लास्ट डे का हमारा ब्रेकफास्ट। ये देखिए नायशा एग्स और पोहा ली हुई है और हस्बैंड एज़ यूजुअल फ्रूट्स। एंड आज के हमारे ब्रेकफास्ट में वड़ा स्पेशल था तो यहाँ वड़ा और चटनी सांभर और ब्रेड जैम बट 2 hours later. अभी हम निकलने वाले थे बागा बीच कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए बट नायशा के यहाँ तबीयत थोड़ी सी दिक्कत वाली हो गई है तो अभी हम वेट कर रहे हैं, इसके पापा दवा लेने गए हैं, वेट कर रही हूँ मैं कि ठीक हो जाइए कुछ अच्छा फील करे तो जाएंगे अदरवाइज़ नहीं जाएंगे, यहाँ पे ही रेस्ट करेंगे बिकॉज आज ही हमारी फ्लाइट भी है इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर निकलेंगे।
और यहाँ पे नाशा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, उसे वॉमिट हो गया है बिकॉज हम लोग 2 दिन लगातार क्रूज पे चले गए जिससे उसको वॉमिट जैसा फील हो रहा है और उसने यहाँ वॉमिट कर भी दी थी, तो रिसेप्शन एरिया पे उसने वॉमिट कर दी है। सो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लें, तो मैं और नाशा दोनों लोग रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है बिकॉज पता नहीं कहाँ से हस्बैंड को मोपा एयरपोर्ट का याद आया और हमने आधा ट्रैवल भी कर लिया था मोपा एयरपोर्ट के लिए, बट कहाँ से पता नहीं मेरा दिमाग कैसे सिक्स सेंस काम किया। सो मैंने उनसे पूछ लिया कि हमारी एक्चुअली में फ़्लाइट कहाँ पे आ रही है, हमें कहाँ से फ़्लाइट लेनी है। फिर हमें पता चला जिस एयरपोर्ट से हम आए थे हमें उसी एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट लेनी है। सो हमारा हाफ एन आवर निकल चुका था ट्रैवल के लिए, फिर हमारी गाड़ी बैक हुई और फाइनली हम अब जाकर कहीं वो एक एयरपोर्ट पहुँचे हैं। सो ये था हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए फर्स्ट टाइम आपको। और यहाँ हमारी फ्लाइट छूटते छूटते बची है। सो अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए होते, मुश्किल से 10 से 15 मिनट अगर हमारी लेट होते, अगर मुझे याद आता तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाती, बट ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं अच्छा करोगे तो भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, फाइनली एंड टाइम पे मुझे याद आ गया। सो हम जहाँ से मेरी फ़्लाइट थी हमारी, हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमें फ़ाइनली फ़्लाइट हमारी मिल गई है। सो ऐसे ऐसे हो जाता है कभी आपके साथ जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होते हो। सो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है जब आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट ले रहे हो। तो फाइनली हम देखे फ़्लाइट के अंदर आ गए हैं और अभी टेक ऑफ का समय हो रहा है। सो ये था हमारा गोवा का सफ़र, बहुत ही अच्छा था जो कि। तो चलिए, 3 hours later और 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद फाइनली हम आ गए हैं लखनऊ एयरपोर्ट। और लखनऊ एयरपोर्ट के सामने ही जस्ट आपको ये मेट्रो लाइन मिल जाती है। सो हस्बैंड ने कहा क्यों ना तुम लोग को मेट्रो की सफ़र भी करा दिया जाए। तो वहाँ से हमने मेट्रो में ट्रैवल करके अभी हम जाएंगे भाभी के घर, वहाँ करेंगे डिनर, फिर वहाँ से हम अपनी गाड़ी से कानपुर पहुँचेंगे। सो यहाँ हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। आफ्टर डिनर हम कानपुर के लिए निकल चुके हैं, गाड़ी हमने अपनी ले ली है और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग चलाते हुए। सो ये हमारी लॉन्ग ड्राइव भी है और यहाँ मैंने अपना फेवरेट सॉन्ग चलाया है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल द नट्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ काफ़ी टाइम बाद। गोवा से आया मुझे 4 से 5 डेज हो गए हैं, बट जिसी दिन मैं आई थी उसी दिन ससुर जी की मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सो मैं 2-3 दिन से ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ बट बना नहीं पा रही हूँ। सो मैंने व्लॉग नहीं बनाया 2-3 दिनों से, बट आपको व्लॉग कंटिन्यू मिल रहे होंगे क्योंकि अभी हमारी गोवा सीरीज चल रही है। सो गोवा सीरीज के व्लॉग्स आते रहेंगे, बट अभी 3 से 4 दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ बिकॉज ससुर जी हॉस्पिटलाइज थे और जाना वाना पड़ रहा था और यहाँ पे भी घर पे ही आ गए थे। सो उनकी देख रेख हो रही थी और बस अभी मैंने अनपैकिंग भी नहीं की है वैसे ही है। प्लस वहाँ से आके मेरी नाशा की दोनों की तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हुआ था वहाँ पे और यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज था, तो बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत खराब हुई। उसके बाद घर पे सास ससुर का और फिर उनकी तबीयत को लेके सो मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रही हूँ। ये था अपडेट, अभी तक का अपडेट आपको मैंने दे दिया है। और आज मैं गई थी पूजा में, सो ये देखिए, और बस तभी पैरों में रंग वंग लगा है। सो पूजा में गई थी बट वीडियो नहीं बना पाई वहाँ पे भी, और अभी मैं बना रही हूँ खाना तो ठीक पड़ गया है। आप मेरी गोवा सीरीज़ वाले व्लॉग्स देख सकते हो
और वो पढ़ रहे हैं, तो जब तक शायद आपको ये ब्लॉग मिलेगा तब तक सारी सीरीज पढ़ चुकी होंगी गोवा की। सो देखते रहिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग और कैसे लगे आपको मेरी गोवा सीरीज जरूर बताइएगा। तो अभी हो रहा है 10:30 और व्लॉग अभी। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक देखते रहिए। और जिसको भी मेरे गोवा सीरीज वाले व्लॉग अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।